तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस, मैं आया हूँ आज ओखला बर्ड सेंचुरी, जो नोएडा बॉर्डर के जस्ट अपोजिट साइड में पड़ता है, नियरेस्ट ही मान लो, नियरेस्ट ही पड़ता है। तो आज मैं आया हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी पार्क घूमने के लिए, और ज़्यादा हम लोग लेट भी हो गए हैं क्योंकि ये 5:30 बजे बंद हो जाती है, और इसी के कारण जाम के कारण ट्रैफिक था, तो इसके कारण हम लोग थोड़ा लेट हो गए। तो जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट। और आज फिर से है मेरे साथ राजन ब्रो। तो कैसे हो ब्रो? बढ़िया बढ़िया भाई। यह तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं पूरे पार्क को। यह तो ये है ओखला बर्ड सेंचुरी, ये उल्टे में दिखता होगा, बाकी देख लो। ये पीछे के गेट से हम लोग एंट्री किए हैं। ये देखो, ये जो है ये अंडर पास इधर से आए, क्योंकि फर्स्ट गेट जो है और ये सेकंड गेट है, तो फर्स्ट गेट से हम लोग नहीं जा पाए, मैं रास्ता ही भूल गया। लोकेशन पे आ रहे थे तो पता नहीं इधर का रास्ता दिखा दिया, और इसके बाद आए आज बाइक से। तो चलते हैं गाइज। ओके, देखा था वीडियो में, पानी पानी तो है ही नहीं ब्रो। कैसे यार होगा। तो गाइज देखो, है इतनी लंबी रास्ता, तो हम लोग इसको दौड़ दौड़ के चल रहे हैं। तो गाइज ये जितने भी है, वो जहाँ तक हाथ आपको दिख रहा है तो हमारा ही है। तो यहाँ पे हम बेच करके जमीन और दिल्ली में लेने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। कम से कम 50-60 बीघे का जमीन, तो इसको हम हटाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ काम वाम तो होता नहीं है, तो देखो लाइक करो और फॉलो करो। समझाता है हम दिल को कभी।
तो गाइज आए तो घूमने के लिए, बाकी ना पानी है और सूख चुका है पूरे, भी कहीं भी पानी नहीं है पूरे। आप जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान की तरह दराड़े पड़ रहे हैं। अब देखे देखोगे वीडियो बंजर में बंजर, बंजर। यहाँ पे फसल उगाना तो मुश्किल ही है, नामुमकिन हो सकता है। और बैठने वाले जगह क्या है, जंगल जा रहे पूरे, और हर जगह आपको मिल जाएंगे ऐसे बैठने वाले। लवर्स पॉइंट बना रखा है बस यहाँ पे। बस लवर्स सही बात है, ये तो है ही लवर्स पॉइंट है। बाकी आपके पास बंदी है तो लेके आओ, हम तो बस दोस्त के साथ आते हैं। आपको दिखाने आए थे कि कैसा नज़ारा है। तो ये कुछ बैठने वाला जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे यदि पानी रहता है ना गाइज, ये देखो पूरा जंग बंजर बोलते हैं ना, बंजर है पूरे, इसमें पानी भरा रहता है ना तो और भी खूबसूरत लगता है, और भी खूबसूरत मस्त, जो बोलते हैं ना जहर वाला फील। दो साल पहले था यहाँ पे पानी, था अभी पानी पता नहीं रोक दिया है, ये सबको बोल रहा है कि इसको साफ करना है, तो इसके कारण इसको पानी रोक दिया है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब पानी इसमें आ जाएगा तो फिर आपको
न्यू दिखाएंगे कि पानी वाला। तो ये है कुछ ऐसा बैठने वाला, इस पर आप बैठने वाला है, पता नहीं ये गिर भी रहा है गाइस। तो इस पर देखो आपको और भी, ओहो भाई हिल रहा है, ओहो हिल रहा है, उतरने दो भाई। तो ऐसा कुछ है, तो ये है कुछ ऐसा नज़ारा जो देख रहे हो, दलदल कर रहा है अभी भी, धस रहा है। तो ये कुछ आज ही ये शोरूम से निकल के आया नाव, जिसका मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काटने के लिए कुछ है नहीं, आज मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इसका उद्घाटन देख लो कि मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूँ। और यहाँ अब कल परसों से जो भी आएंगे तो इस पर बैठ करके आप इस समुद्र में आप घूम सकते हो, सूखी समुद्र में। तो गाइस बने रहना हमारे वीडियो में अंत तक। और इसका मैं सोच रहा हूँ कि अभी टाइम हो गया है, इसका कल और उसका परसों कर दूँ, है ना ब्रो? या ब्रो, तो चलते हैं गाइस। अब मिठाई तो है नहीं, तो मिठाई खिला देता। तो ये है पॉइंट, तो ऐसे देख लो। या ये 20 रुपये लेता है, लेकिन मैं आपको 10 रुपये लूँगा। आप इस पार्क में आओ और इस पे बैठो, मैं 10 रुपये लूँगा आपको। तो गाइस दौड़ के मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:30 और 5 बजे ये पार्क हो जाएगा क्लोज। और आपको दो चीज़ें दिखानी है मुझे, जो एक पुल है जो काफ़ी खूबसूरत है, और एक है टावर जिसके ऊपर चढ़ करके ये जो भी बर्ड सेंचुरी है ये वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है उसका। तो इसी के कारण मैं तेज़ी से दौड़ के जा रहा हूँ। एक ये टावर नंबर 2 और ये है टावर नंबर 1 के लिए रास्ते। तो 2 रास्ते हैं, तो इसको याद रखो। और एक उधर रास्ता है, आप उधर भी टावर मिल जाएगा और इधर भी टावर मिल जाएगा। तो मैं चल रहा हूँ टावर 1 के पास जो थोड़ा नज़दीक है। तो आओ गाइस, तो आगे आओगे तो ऐसा कुछ बैठने वाला मिल जाएगा जिस पे काम चल रहा है। देखो सीमेंट वमेंट रखा हुआ है, लग रहा है इसको सीमेंट लगा के इसको पार्क की तरह छोटा सा बनाया जाएगा। और देखो गाइस सबसे बड़ी बात है, डस्टबिन हर जगह आपको मिल जाएगा, तो कचरे मत फैलाओ और जो भी खाने पीने का सामान लाते हो डस्टबिन में रखो। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या बोलते हैं, तो पूरे जंगल में घूम रहा हूँ गाइस, पूरे जंगल में। देखो या कोई भी नहीं है इधर, बस हम दोनों के अलावे। चलो ऐसे में
फर्स्ट जो टावर है तो ये है नज़दीक में, ये देखो उस पर कुछ लोग भी हैं, कुछ लोग क्या कपल्स ही होंगे, और इधर है कौन तो हम लोग आए हैं। तो देखो ये नज़दीक पड़ता है तो हम लोग पहले फर्स्ट टावर पे ही आए हैं, और यहाँ से आपको जो व्यू दिखेगा बहुत ही खूबसूरत गाइस, बहुत ही खूबसूरत। तो देखो इतनी सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो वो उस पर चढ़ने के बाद आपको पूरा क्लीन दिखेगा। तो चलते हैं, आओ। कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है, बाकी इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं है पानी, और दूर दूर तक कोई भी लोग नहीं है हम दोनों के अलावे। तो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है, बंजर जमीन है और सनसेट आपको देखना। ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, लग रहा है कि कोई वो नारंगी है ना, सूरज मेरे मुट्ठी में आ गया। और अब हो गया है टाइम भी, और पार्क का जो एग्जिट होने का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, 5 बज गए, और 5 बजे हमें बाहर निकलना था, बाकी 5 तो यहीं पे बज रहे हैं। तो फटाफट हम लोग दौड़ के चलते हैं और सीधा बाहर निकलेंगे, वहाँ से हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे, दिखाएंगे बाहर में। यदि स्टेडियम का व्यू यदि आएगा, स्टेडियम पास में ही है, तो यदि उसका नाइट का व्यू आएगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो सीधा घर। यहाँ से आपको 45 किलोमीटर हमें आगे जाना है, तो हम लोग यूपी में आ गए हैं, तो अब जाएंगे दिल्ली। तो ओके गाइज, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई को सपोर्ट करो यार, एक बार तो यूट्यूब पे सपोर्ट कर दो। और हाँ गाइज, उस दिन भी बोला था कि बहुत ही लंबा ट्रिप हमारा साइकिल का होने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट करो, एक बार प्यार दिखा दो गाइज यूट्यूब चैनल पे, दिखा दो गाइज, दिखा दो। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, और ओके अपना ध्यान रखना। तो थे बहुत ही खुशी लेके, बहुत अरमानों के साथ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियो बना के दूंगा। बाकी देखो पानी नहीं है ना इस पार्क में, तो पानी के बिना तो ये पार्क जीरो है, और मैं बोलूँगा ही कि जब पानी आए तभी आप लोग आओ, नहीं तो थकान तो होना ही होना है, कोई बहुत ही लंबा पार्क है। और उसके बाद यदि पानी रहता तो और भी बहुत ही अच्छा दिखता, और हरियाली भी दिखती है, और पानी नहीं है तो देख रहे हो सूखे साके हैं सब, ये इधर भैंस दिखेगा, उधर भैंस दिखेगा, कभी कोई नील गाय कभी, और पक्षी तो 2-4 हमें दिखाए कोई न्यू वाला। तो बाकी ऐसा देख लो, मेहनत तो बहुत ही लगा हम लोगों का, तो लास्ट है हम लोगों का, इधर से अब जाएंगे। तो चलते हैं गाइज, अब मैं उतरता हूँ इस पर से, और
और चलते हैं नेक्स्ट, आपको देखते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगला वीडियो कहाँ पे हम लोग बनाएं, तो हम लोग सर्च करके फिर जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे, और तब तक के लिए बाय। ओके। उठते हैं कदम रुक जाए।